जी आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? देखिए, जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में बड़े संघर्ष से प्राप्त की है, सभी को यही संदेश है। इसको अपने भाईचारे को, 36 जात के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को संजोकर रखें, और कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विशेष तौर पर योगदान इसमें रहेगा और रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कुछ विघटनकारी शक्तियां इस देश को बांटने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, देशवासियों से यही निवेदन करूंगा, मिलजुल कर रहें, इस आज़ादी का संजोकर रखें। जो बड़े संघर्ष और बलिदान से मिली है, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, और भी कई एग्जाम्पल विश्व में देखने को मिलते हैं, तो हमें चाहिए हम सब मिलजुल कर रहें। मैं तो संदेश है कि पूरे गुरुग्राम वासियों को, समस्त देशवासियों को इस आज़ादी के महान पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज कांग्रेस कार्यालय में पुनः मुझे आने का अवसर मिला है। आज कई सालों के बाद मुझे इस कार्यालय में आने का अवसर मिला। जब मैं बहुत छोटा था उम्र में, तब आया करता था अपने पिताजी के साथ। मेरे पिताजी इसी कार्यालय में अध्यक्ष रहे, गुड़गांव जिले के अध्यक्ष रहे कई वर्षों तक, 6-7 सालों तक। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज आया और पार्टी से जुड़ने का मुझे अवसर मिला, और काम करने का अवसर मिलेगा मुझे आगे। और हम सभी आज यहाँ कांग्रेसी मौजूद हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं बेहतर हरियाणा के निर्माण के लिए, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, और जो भी समस्याएं इस प्रदेश की हैं उनको दूर करने के लिए हम सभी अथक प्रयास करेंगे और करके रहेंगे। धन्यवाद। कौन सी समस्या आपको लगती है गुरुग्राम वासियों को सबसे पहले निजात दिलाएंगे आप, यदि विधायक? सारा, चलो वो तो विधायक बनना तो बाद की बात है, पार्टी तय करेगी वो तो। लेकिन जो समस्याएं शहर की हैं चारों तरफ, अब जैसे हमारे आदरणीय पंकज भाई ने कहा कि 900 मीटर का दायरा, सारे गुड़गांव जिले की बात करें तो सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, ये बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हमें दर दर ठोकर खानी पड़ती है, दर दर अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 65% रेवेन्यू जो हमारा गुड़गांव पूरे हरियाणा को देता है, तब भी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हमें अफसरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अफसरों के दरवाजों पर जाकर बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और बाट देखनी पड़ती है कि भाई कब हमारा कोई काम होगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं विश्वास से कहता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ये दिन दोबारा नहीं आएगा, सब समस्याओं का निवारण किया जाएगा और पूरा प्रदेश और गुरुग्राम जिला खुशहाली की ओर जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी। हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, गुड़गांव वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, असल आज़ादी हमें जब मिलेगी, जब शहर हमारा साफ होगा, जल भराव से हमें आज़ादी चाहिए। आज हमें आज़ादी चाहिए 900 मीटर के दायरे से, आज हमें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, आज हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, आज हमें आज़ादी चाहिए टूटी सड़कों से, आज हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचारी नेताओं से, आज हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचारी अधिकारियों से। भ्रष्टाचार इन सब की जननी है, आज हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, तभी हमारा देश, हर इंसान आज़ाद होगा। भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कांग्रेस पार्टी के इस कार्यालय में आप आए हुए, क्या कहेंगे? अमित यादव, प्रदेश अध्यक्ष इंटक हरियाणा, सदस्य चुनाव समिति कांग्रेस कमेटी हरियाणा। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सब जिला कांग्रेस की ओर से तमाम देशवासियों को आज हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां पर स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, हमारा देश का झंडा फहराया गया, और तमाम साथियों को ये निर्देश दिए गए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे देश के शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराया, देश को में देश के नागरिकों को वो एक संपन्न, खुशहाल और एक अच्छा जीवन जी सके, उसके लिए हमें जो संविधान बनाकर दिए, आने वाले समय में सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश के संविधान को मजबूत रखने का काम करें, भाईचारे को मजबूत रखने का काम करें, और जो भी देश में जो भी ताकतें आती हैं, जो देश के मौलिक अधिकारों को कमज़ोर करने का काम करती है, भाईचारे को कमज़ोर करने का काम करती है, ऐसी शक्तियों से हम सब ने एकता के साथ लड़ना है। यही आज हम सब शहीदों ने, देश के शहीदों ने हमें यही, उनको नमन करते हुए आपस में सबने यही प्रेरणा यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अधिकारों के बारे में तो जनता पूरी तरह से जागरूक है, पर क्या कर्तव्य के बारे में जागरूकता कौन चलाएगा? देखिए, जनता अधिकारों को लेकर भी जागरूक है, और लेकिन जो आज ताकते हैं देश में, वो किस प्रकार से लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रही है,
जो उनके मौलिक अधिकार हैं, चाहे उनका प्रदर्शन का अधिकार हो, आंदोलन का हो, अपनी बातचीत को रखने का हो, मीडिया की आज़ादी हो, सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों को आज की वर्तमान की सरकार कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ पर साथियों को सबसे यही कहा गया कि आने वाले समय में मजबूती के साथ इस देश की अखंडता को, भाईचारे को, मौलिक अधिकारों को हम सब ने मिलकर मजबूत रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्रामवासियों और भारतवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, आज हमारे 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो कि मेरे ख्याल लाखों कुर्बानियों के बाद हमें देश के लिए आज़ादी मिली है। उन सभी जो है शहीदों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम सांस ले रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, देश के अंदर बोलने की आज़ादी मिल रही है हमें। तो उनके लिए मैं समझता हूं कि सभी कांग्रेस के जितने भी हमारे वरिष्ठ है और हमारे कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी ने झंडा लहरवाया है और समझता हूं कि इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए, जिन्होंने लड़ाई के लिए, राज देश आज़ाद के लिए कुछ ताकत है जो इस देश को ख़राब करना चाहती है, आज सत्ता पे जो है काबिज हो गई है। उन्होंने कभी देश के लिए आज़ादी नहीं लड़ी है। आज हम सभी साथी और आगे भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे, देश के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहे हैं हमेशा के लिए। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सर, चित के चोरों का क्या करेंगे? कभी समय आएगा, जनता बदलेगी। आपने देखा होगा कि जनता की जब आवाज आती है तो तख्ता पलटता है, तख्ता पलटेगा। हमारे राहुल गांधी जी की मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आज हर वर्ग परेशान है, मजदूर देखिए आप, किसान देखिए आप, सब रोडों पे हैं, व्यापारी देखिए। मैं समझता हूँ व्यापारी बहुत परेशान है, मगर वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको डर है छापा ना डल जाए। ईडी का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नेताओं को डराया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। कभी आपने कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं देखा होगा किसी ईडी का छापा डला हो। सीबीआई का भी बड़ी डिमांड होती थी, बहुत बड़ा उसके ऊपर, जो इनके पूंजीपति है जो चंदा देते हैं, अब चंदा के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ना ईडी को, चंदा उगाऊ ईडी हो गई है। तो इस तरह की जो हरकत करी है इन्होंने जनता के अंदर रोष है, और जनता आने वाले टाइम में विधानसभा है हरियाणा के अंदर, आप देखिए हम 90 में के 75 सीट जीत के दिखाएंगे, ये मेरा वादा है, आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं सुबे सिंह यादव एडवोकेट 1992 से कांग्रेस में हूँ, दो दफा डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रह रहा हूँ, 10 साल से लगातार 10 साल ग्रीवेंसेस कमेटी में रहा, और स्वतंत्रता दिवस की जो हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, देशवासियों की इसकी सबसे शुभकामना। और स्वतंत्रता दिवस आंदोलन में, भारत की आज़ादी में कांग्रेस का और वकीलों का योगदान रहा है। महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित मोतीलाल नेहरू वकील थे, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। और आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके आरएसएस जो समर्थक थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनका कोई योगदान नहीं रहा भारत की आज़ादी में। भारत की आज़ादी में कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस का, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का, और शहीद सुखदेव, भगत सिंह और इनका रोल रहा है।